यूपी के मैनपुरी बेबर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार क्षेत्राधिकारी भौगांव के निर्देशन में थाना पुलिस द्वारा चलाए गए संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान में दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक युवक के पास जामा तलाशी दौरान एक तमंचा तथा दो कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ के बाद पकड़े गए युवकों ने कुल 5 बाइकों को बरामद कराया है। पुलिस ने लिखा पड़ी के बाद दोनों को जेल भेजा है। आपको बता दें कि रविवार रात पुलिस को सूचना मिली कि सिटी रोड स्थित नए बाईपास ओवरब्रिज के पास दो बाइक चोर किसी फिराक में खड़े हैं। पुलिस द्वारा रात में ही घेराबंदी कर बाइक सवार दोनों युवकों को ओवरब्रिज के पास से हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के बाद उन्होंने अपने नाम अमन पुत्र संजीव निवासी मरहारी थाना छवा तथा अवनीश पुत्र राकेश निवासी ग्राम लालपुर परोखा थाना बेबर बताया। जामा तलाशी के दौरान अमन के पास से एक तमंचा तथा दो कारतूस बरामद हुए। पुलिस द्वारा पकड़े गए युवकों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो दो युवकों द्वारा कई स्थानों से चोरी की गई 4 अन्य बाइकें भी बरामद कराई गई। पुलिस ने सभी बाइकों को बरामद कर दोनों युवकों को संबंधित धाराओं में जेल भेजा है। देखिए, ये दिनांक 6/6/2022 को नूरपुर थाना क्षेत्र में एक जनसेवा केंद्र संचालक के साथ एक लूट की घटना हुई थी और जिसकी आज खुलासा किया जा रहा है। इसमें हमारी स्वाट सर्विलांस टीम और नूरपुर पुलिस द्वारा जो है एक शातिर जो है चोरों का एक गैंग पकड़ा गया जो है लुटेरों का जो है, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम है मोहित उर्फ रेंचो, गणेश शर्मा, जीशान और कार्तिक। अभी इसमें एक अभियुक्त सानू जो है वो फरार है, जिसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। ये लोग एक जो है बड़ी घटना करने की योजना बना रहे थे और उस योजना बनाने के दौरान पुलिस को सूचना हुई, उस पर ये गिरफ्तार हुए हैं। इनसे जो है जो लूट हुआ था, लूट में का जो है 35,400 रुपये और उसमें एक लैपटॉप गया था वो बरामद हुआ है, थंब मशीन जिससे पैसा निकाला जाता था और उसमें बैग और उसका जो लेन देन का रजिस्टर था वो बरामद हुआ है। और इसके अलावा जो है इनके द्वारा अन्य एक मोबाइल चोरी की घटना की गई थी, उससे संबंधित भी जो है 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त जो नीले रंग की अपाचे गाड़ी थी वो भी बरामद हुई है। यह एक शातिर लुटेरों का गैंग है, इनके विरुद्ध हम जो है आगे भी जो है अन्य निरोधात्मक कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट इत्यादि की कार्रवाई करेंगे। इनको गिरफ्तार करके और जेल भेजा जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।